दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराकर रविवार को आईपीएल 2024 में पहली जीत दर्ज की। ये मैच आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में था। सीएसके को जीत के लिए 192 रन बनाने थे। डीसी की ओर से तेज गेंदबाज खलील अहमद ने 21 रन देकर 2 विकेट और मुकेश कुमार ने 21 रन देकर 3 विकेट लिए। सीएसके 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। सीएसके की ओर से अजिंक्य रहाणे ने 30 गेंद पर 45 रन, डेरिल मिशेल ने 26 बॉल पर 34 रन और एमएस धोनी ने 16 गेंद पर नाबाद 37 रन की पारी खेली, लेकिन रविवार की रात डीसी के नाम रही। इससे पहले डीसी की ओर से कप्तान ऋषभ पंत और दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर की दमदार हाफ सेंचुरी की बदौलत टीम ने 5 विकेट पर 191 रन बनाए। ये इस आईपीएल में ऋषभ पंत का पहला अर्धशतक था। उन्होंने 32 गेंद पर 51 रन जबकि वार्नर ने 35 गेंद पर 52 रन बनाए। उन्हें ओपनर पृथ्वी शॉ का अच्छा साथ मिला जिन्होंने 27 गेंद पर 43 रन की पारी खेली। तेज गेंदबाज मथीशा पथिराणा ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए। वे सीएसके के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे।